हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कल नॉनस्टॉप की लाइफ में पहली बार रुवॉक आया था खेलने के लिए। बट आज की जो वीडियो है वो रुवॉक के ऊपर नहीं है, उसके एक टीममेट के ऊपर है, उसके एक गिल्ड मेंबर के ऊपर है। तो ये बंदा साइलेंट सर्वर से ही है और इसने रुवॉक, क्लासी, जेरोक्स, एलिवेटर सबको हराया है 1v1 में। उसके क्लिप्स में आगे आपको बताने वाला हूं। और वो खेलने का उसका जो तरीका है, उसका जो स्टाइल है, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कल जैसे मैंने उसका गेम प्ले देखा, मुझे लगा इसके ऊपर तो वीडियो बनाना ही चाहिए। और वो बंदा भी अपने तरफ से लाइव कर रहा था अपने चैनल पे और उस बंदे ने अपनी पूरी सेटिंग भी रिवील की, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं क्या-क्या सेटिंग उसने कर रखी थी। बट उसके पहले मैं आपको उसका गेम प्ले दिखा दूं, जिस बंदे ने क्लासिक को 1v1 में मारा है, रोक को मारा है, वो बंदा कैसा खेलता है। अरे भाई पीछे कैसे आ गया भाई बंदा, क्यों चुका है? और अरे भाई, और एलिवेटर का भी काम तमाम यहां पे कर दिया भाई। भाई फिनिश कर दिया यार, ये दुख का ही खत्म नहीं होते भाई। ये बंदा क्यों नहीं हारता है भाई? मेरा एक तरफा कुछ अच्छे गंदे शॉट्स भी मार रहा, बट ये थाईलैंड का प्लेयर भाई लिटरली बहुत अलग लेवल है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे खेलते हैं। फिर से भाई, फिर से देखो, यार कैसे मेरे को बिलीव नहीं हो रहा भाई, सच में मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा भाई। कैसे फर्स्ट ब्लड यार, ये कूदता कैसे है? खत्म कर दिया उसने जल्दी मैच को। तो आपने इसका गेम प्ले देख लिया होगा, इसने सभी को ऑलमोस्ट 7-4, 7-3 से हराया, बड़े बड़े प्लेयर्स को। और इसने रुवॉक को भी हराया ऑलमोस्ट 7-1 या फिर 7-0 से हराया, वो उसकी स्ट्रीम पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है ये सबसे बेस्ट प्लेयर है, क्लासिक से नूब हो गया, रुवॉक हार गया तो रुवॉक नूब हो गया, ऐसा नहीं होता। सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है, इसका स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक है, मैं उसी लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो उसके चैनल पे आप लोग लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। सारी मैच उसने लाइव स्ट्रीम पे खेली थी और उसने लाइव स्ट्रीम पे अपनी सेटिंग भी रिवील की थी। तो हम लोग आते और देखते उसने क्या ऐसी सेटिंग की है जो कूद कूद के ऐसे हेडशॉट मार लेता है। सेटिंग वाई सिलो नाइफ आई तो वहाँ यूनिवर्सिटी में डोले मैं तो निकला दूध पक्का पिसा ले तो आपने उसकी सेटिंग देख ही ली होगी। और सेटिंग में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो सीन स्मूथ का था वही इसका है। इसकी भी बहुत ज्यादा नॉर्मल सेटिंग है, ऑलमोस्ट सब कुछ डिफॉल्ट पे है। इसने डीपीआई भी नहीं बढ़ाई, इसने ब्लू स्टैक को रूट भी नहीं किया है, और जो उसकी ट्वीक्स है वो भी उसने चेंज नहीं किए, वो भी डिफॉल्ट पे खेलता है। तो मैं इसकी जो सेटिंग है वो ट्राई नहीं करने वाला, मैंने स्मूथ की भी ट्राई नहीं की थी, मुझे पता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेसिक सेटिंग है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता था जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि उसने जब लाइव पे दिखाया था तो बहुत ज्यादा कम वॉचिंग थी, ऑलमोस्ट 100 बंदे ही देख रहे थे। तो जो इस बंदे का गेम प्ले बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, बट उसने जब सेटिंग दिखाई तो इतने लोग नहीं देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ही वीडियो बना के बता देता हूं इसकी सेटिंग। और इसकी खास बात जो है वो उसकी सेटिंग में नहीं थी, उसके जो गेम प्ले उसमें थी। वो M87 इतनी गंदी मारता है जंप करके, आप लोग बच ही नहीं सकते। आप लोग उसकी गेम प्ले देखोगे अपने साइड से तो आप समझ जाओगे। तो आप लोग उसका लाइव जरूर विजिट करना एक बार, मैं उसकी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और उसकी सेटिंग को कॉपी मत करना, उसकी जो स्टाइल है, जो लोग 1v1 खेलते ज्यादा, जो लोग को 1v1 में जीतना है उसकी स्टाइल को कॉपी करना, और कैसे ग्लू वॉल लगाता है, कैसे जंप करता है, कैसे हेडशॉट मारता है, वो अगर कॉपी करोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप लोग जीत सकोगे 1v1 की फाइट में। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरी सेटिंग अगर जाननी है मैंने क्या क्या सेटिंग की है, ब्लू स्टैक में क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो अभी आपको एक स्क्रीन पे वीडियो दिख रही होगी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी पूरी सेटिंग मैंने रिवील कर दी है। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।